साइबर थाना झज्जर की पुलिस टीम ने एक अंतर्राज्यीय नेटवर्क गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसीपी ऑफिस महिला थाना में पत्रकारों से रूबरू होते हुए एसीपी अनिरुद्ध चौहान ने बताया कि साइबर थाना झज्जर प्रबंधक अजय मलिक की देखरेख में साइबर थाना झज्जर की पुलिस टीम ने आरजीआ राजस्थान में एक शिकायत के आधार पर दबिश दी तो पुलिस को वहां साइबर फ्रॉड में उपयोग होने वाले भारी मात्रा में उपकरण बरामद हुए। उन्होंने बताया कि जितेंद्र निवासी पालिका कॉलोनी बहादुरगढ़ ने पुलिस को शिकायत दी कि उसके साथ टास्क के नाम पर 21,90,331 की धोखाधड़ी हुई है। जिस शिकायत पर साइबर थाना झज्जर में तैनात सहायक उपनिरीक्षक सविता और उसकी पुलिस टीम ने बहादुरगढ़ निवासी व्यक्ति के साथ हुए साइबर फ्रॉड के मामले में लोकेशन ट्रेस करते हुए आरजीआर राजस्थान जाकिर नाम के व्यक्ति के मकान पर पहुंची और वहां पर वह नहीं मिला, लेकिन मौके पर भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य सामग्रियां बरामद हुई जो इस प्रकार से है। कुल 9,97,000 रुपए, स्मार्टफोन मोबाइल 27, कीपैड मोबाइल फोन 3, एक करेंसी काउंटिंग मशीन, एक सीसीटीवी कैमरा मोहर, 27 अलग अलग विभागों की एक POS मशीन और एक हार्ड ड्राइव, सीगेट वीडियो 3.5 HDD, कुल 68 ATM कार्ड, कुल 37 पैन कार्ड, कुल 27 आधार कार्ड, कुल 60 ड्राइविंग लाइसेंस, कुल 13 वाटर ID कार्ड, फुल गेमिंग सिस्टम मशीन, कुल 96 फोन पे स्कैनर, कुल 17 CD कंप्यूटर, कुल 33 फोन पे स्कैनर, स्पीकर, कुल 2 लैपटॉप मार्क का आवश्यक 17 पॉइंट, कुल 1 टैब ओप्पो, कुल 4 पासपोर्ट, कुल 65 बुक बैंक की चेक बुक, कुल 60 बैंक पासबुक, कुल 56 मोबाइल सिम, 7 पहचान पत्र, 1 राउटर, 1 वाईफाई सिम, 2 वॉकी टॉकी सेट, 7 पेन ड्राइव, 1 हिची ATM डेबिट कार्ड आदि सामान बरामद हुआ। इस कार्रवाई पर ACP अनुज चौहान ने साइबर थाना झज्जर की पूरी पुलिस टीम की सराहना की और उन्होंने कहा कि जल्द ही उपरोक्त मामले में आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए ACP अनिरुद्ध चौहान ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि व्हाट्सएप या अन्य माध्यम से आपके पास कोई मैसेज या कॉल आती है कि आपको ग्रुप मेंबर बनाया जाएगा, आपको ज्यादा पैसे दिए जाएंगे, कई बार बैंक अधिकारी बनकर आपसे जानकारी ली जाती है। इस तरह से साइबर ठग तरह तरह के लुभावने ऑफर देकर आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ज्यादा पैसे कमाने की उत्सुकता आप में आपके मन को भरते हैं और मौका मिलते ही आपको साइबर ठगी का शिकार बना लेते हैं। इसलिए ऐसे फोन कॉल या वेबसाइट से बचें। साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। आपकी सतर्कता ही आपका बचाव है। ये FIR नंबर 11 है, लास्ट ईयर 21st of April 2023 को लॉन्च की थी। इसमें कंप्लेनेंट है जितेंद्र और ये पालिका कॉलोनी बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। इनके व्हाट्सएप कॉल पे कॉल आई किसी अननोन नंबर से। वो कहते हैं आपको एक पर्टिकुलर हम टास्क देंगे, वो टास्क आपने कंप्लीट करनी है, उसमें कुछ पेड मेंबर्स बनाने हैं और उसके बाद जो पेड मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स को यूट्यूब के ना कोई चैनल्स हैं उनको लाइक करना है और वो लाइक करने के बाद आपको अकाउंट में पैसा आएगा, जो पेड मेंबर्स हैं उनके अकाउंट में पैसा आएगा। तो इस तरीके से जितेंद्र सन ऑफ संतराम जो ये बहादुरगढ़ का रहने वाला है कंप्लेनेंट है इस मुकदमे में, ये इनकी बातों में आ गया और ऐसे करके धीरे धीरे करके इसने करीब 22 लाख इन लोगों के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए थे। तो उस पर पुलिस ने FIR लॉस की और FIR लॉस करने के बाद टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, जो भी उसमें व्हाट्सएप की लॉग्स थी, IP एड्रेसेस थे, कैरोट, और ये बिना ही राजस्थान का रहने वाला है। इसको 13th of August को हम लोगों ने अरेस्ट किया और उसके बाद हमें लीड मिली। लीड मिलने के बाद कल पुलिस इस कंक्लूजन पे पहुंची कि भाई इस मामले में जो मेन एक्यूज्ड है तो उसके घर पे रेड की। रेड करने के बाद ये सारी चीज़ें आप देख ही रहे हैं। तो रेड करने के बाद ये जुबेर खान है जो मेन एक्यूज्ड है इसमें, सन ऑफ जाकिन हुसैन। ये आरजिया है, पुलिस स्टेशन है मंडल भीलवाड़ा का, तो यहाँ का रहने वाला है जी। और इसके घर पे रेड करने के बाद इसने अपने घर पे कॉल सेंटर चला रखा था। कॉल सेंटर से करीब इसके घर से और कॉल सेंटर से करीब 10 लाख रुपए कैश हमें वहाँ से रिकवर हुए हैं। 68 ATMs हमें रिकवर हुए हैं वहाँ से, 37 पैन कार्ड्स वहाँ से मिले हैं, 96 फोन पे स्कैनर्स वहाँ से मिले हैं, 65 बैंक चेक बुक वहाँ से मिली हैं, 60 पासबुक वहाँ से मिली हैं जी, 56 मोबाइल सिम वहाँ से मिले हैं, 27 मोबाइल्स मिले हैं जो स्मार्टफोन हैं,
प्लस में 13 वोटर आईडी कार्ड मिले हैं, 17 कंप्यूटर सीडी मिली हैं और 30 फोन पे स्कैनर स्पीकर्स, जो फोन पे पे हम वो करते हैं, स्कैन करते हैं तो वो बता देते हैं कि इतनी अमाउंट आपके अकाउंट में आ गई है। एक सीसीटीवी कैमरा मिला है, 2 डीवीआर मिली हैं और वहाँ इसके घर से हार्डली 150 मीटर के डिस्टेंस पे एटीएम लगा हुआ था, उसकी एक्सेस फीस ने अपने घर पे ही ले रखी थी। वो जो कैमरास वहाँ पे इंस्टॉल थे उसकी डीवीआर और एक्सेस इसने अपने घर पे ले रखी थी। 2 वॉकी टॉकी सेट मिले हैं, 1 पीओएस मशीन मिली है, 4 पासपोर्ट मिले हैं और बहुत सारी ऐसी माइनर चीज़ें हैं जो आपको आप देख ही सकते हैं यहाँ पर।